all of you. I, Vijay Kumar, once again welcome you in the Biology at Fingertips with Vijay. So, my dear friends, we are discussing circulatory system in human beings. हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्कस किया, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्ट वी आर डिस्कसिंग. वी नो दैट हार्ट इज द ब्लड पंपिंग ऑर्गन. वी ऑल्सो नो दैट हार्ट इज पंपिंग द ब्लड कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. पूरे जीवन भर निरंतरता के साथ हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है. ये कैसे संभव हो पाया, ये कैसे संभव हो पाता है? ऐसा क्या है हृदय के अंदर, ऐसा क्या है हार्ट के अंदर कि वो निरंतर कार्य करता रहता है? हाउ द वर्किंग ऑफ हार्ट, दैट इज द कार्डियक एक्टिविटी, इट गॉट रेगुलेटेड. ये कैसे नियंत्रित होती है? तो मैं आपको बता दूं, आज हम इसी पहलू के ऊपर बात करने जा रहे हैं. मैं बात करूंगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट के जो कार्य हैं वो कैसे नियंत्रित होते हैं? कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन दो प्रकार से होता है. वन इज इंट्रिंसिक एंड अदर वन इज एक्सट्रिंसिक. इट्स द इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड वन इज एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी. व्हेन वी डिस्कस द इंट्रिंसिक regulation, intrinsic regulation, it is done with the help of what? It is done with the help of muscles, and the very special muscles of the heart which are called the cardiac muscles. So intrinsic regulation is basically myogenic, muscles ke dwara hone wali myogenic. As we know, human heart is also, human heart is also myogenic. क्योंकि जो वर्किंग है वो मसल्स के द्वारा, कार्डियक मसल्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है. हम इसे इंट्रिंसिक रेगुलेशन में पढ़ेंगे जो आज की चर्चा का विषय है. द सेकेंड रेगुलेशन इज एक्सटेंसिव. आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा एक्सटेंसिव रेगुलेशन के बारे में. अगले लेक्चर में, अगले डिस्कशन में इसको पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे. एक्सटेंसिव रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ मेडल ऑफ रोंगेटा पार्ट ऑफ द ब्रेन थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ये न्यूरल लेवल का कंट्रोल है, नर्वस लेवल का कंट्रोल है और ये मसल्स का कंट्रोल है. प्रश्न ये है कि कैसे मसल्स कंट्रोल करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को. एंड द एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज वेरी सिंपल, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन. कैसे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की वो नियंत्रित की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, मसल्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट
These are cardiac muscles, and they are basically, you know, form a system which is called the cardiac connection system. These muscles, which are the cardiac muscles, to regulate the cardiac activity, that is the contraction and relaxation, they form a what? Cardiac connection system. Cardiac connection system वो बनाते हैं. क्या होता है cardiac connection system? ये जानना बहुत जरूरी है. कुछ भी नहीं है, मैंने कहा कि मसल्स ही बनाएंगे. cardiac connection system में basically cardiac muscles के patches, गुच्छे, पैचेस, सुनो आप, बंडल्स हुआ करते हैं. आप ये ऐसे जो पैचेस हैं कार्डियक मसल्स के, जहां से कार्डियक इंपल्स जनरेट होता है. ध्यान से सुने, मैं बात कर रहा हूं कार्डियक इंपल्स. व्हाट इज द कार्डियक इंपल्स आल्सो? You should know that. हमने पढ़ा है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. We have studied it. Impulse is a wave of depolarization. Wave of depolarization. That is the action potential. ठीक है? तो cardiac impulse is the wave of depolarization or action potential generated within the cardiac muscles of the cardiac connection system. जब ये wave of depolarization, cardiac impulse is nothing but the wave of depolarization बेटा, okay? Or I can say action potential, okay? Action potential. जैसे ही कार्डियक इंपल्स जनरेट होता है, इट विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. इट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट पार्ट. हार्ट का वो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जहां पे जनरेट होगा. फिर धीरे धीरे जो कार्डियक इंपल्स है वो मूव करती है, वो ट्रेवल करती है पूरे के पूरे हार्ट में, पूरे के पूरे हृदय में, और वो अलग अलग पार्ट जो है वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, जो ब्लड है वो पंप कर दिया जाता है कहां, अलग अलग हिस्सों में. आइए इसको समझते हैं कि ये कार्डियक कनेक्शन सिस्टम क्या होता है. द कार्डियक कनेक्शन सिस्टम, द कार्डियक कनेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द नोडल टिश्यू. नोडल टिश्यू और कार्डियक कनेक्शन सिस्टम इच ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर पाए जाते हैं इन मसल्स के. देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. द अपर सेगमेंट, द अपर चैम्बर्स, दे आर कॉल्ड द एट्रियम और ऑरिकल्स, व्हाइल द लोअर वन आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. जैसे मैंने पहले कहा था, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. सो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? इट इज क्लियर टू यू नाउ? सी, जब कंडक्शन की बात करनी है, जब शुरुआत हम कंडक्शन के सीखते हैं, कार्डियक कंडक्शन की बात हम करते हैं, कार्डियक इंपल्स कंडक्शन की बात हम करते हैं, तो हमें राइट वेंट्रिकल ये ध्यान में रहना चाहिए. देखिए, राइट ऑरिकल के राइट साइड है ना, द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल. आई कैन से द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल. यहां देयर इज अ पैच ऑफ द कार्डियक मसल्स विच इज कॉल्ड एस ए नोड
और सीनो एट्रियल नोड और सीनो ऑरिकुलर नोड और एस ए एन वी से कहते हैं। ये होता है, ये ऐसे मसल्स हैं, ये ऐसे पैच ऑफ कार्डिक मसल्स हैं जहां पे कार्डिक इंपल्स जनरेट होता है। फॉर दैट रीजन सीनो एट्रियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड पेसमेकर। आपने सुना होगा कई बार, क्योंकि हार्ट सर्जरी हुआ और उसमें पेसमेकर जो उनको इंट्रोड्यूस किया गया, डाला गया, जिसे द पेसमेकर बेटा, ये पेसमेकर डाला जाता है क्योंकि उनके अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर पेसमेकर की दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है कि वो कार्डियक इंपल्स ढंग से जनरेट नहीं कर पा रहा है या कर ही नहीं पाता है, तो इमीडिएट सर्जरी रिक्वायर्ड और द पेसमेकर दैट इज द एस ए एन दैट द सीनो एट्रियल नोड दैट द सीनो ऑरिकल नोड इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कार्डियक कनेक्शन सिस्टम इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट इज एस ए नोड। विच वन? एस ए नॉट एस ए नोड। This was discovered by Keith and Fleck. Keith and Fleck, the year was 1907. In 1907, Keith and Fleck discovered it. It's the right upper corner of the right auricle. वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे कार्डियक बल्ब जनरेट हुआ। Second component is here. It is the लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल। ये ब्लू कलर में मैंने बनाया है बेटा। जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे एक और पैच ऑफ मसल्स पड़ा होता है जिसे कहा जाता है एबीएन, दैट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड भी से कहते हैं, जो इंपल्स कहां जनरेट हुआ? पेसमेकर में, सीनो ऑरिकुलर नोड में, सीनो एट्रियल नोड में, एसएन में जो जनरेट हुआ वो कहां जाना चाहिए? पूरे के पूरे हार्ट में, जो मसल्स हैं उनमें, वहां से एसए नोड से एबी नोड पे उस इंपल्स को लाने के लिए, उस वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, इंपल्स क्या है? वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, उसको लाने के लिए हमारे पास इंटरनोडल पाथवेज होते हैं, मस्कुलर बैंड्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स के बंडल्स होते हैं, और वे उस वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को ऐसे नोड से कहां ले जाते हैं बेटा? एबी नोड। अब एबी नोड वेव ऑफ डिपोलराइजेशन से उस इंपल्स से स्टिमुलेट होता है और फर्दर कार्डियक इंपल्स को आगे भेजता है और जनरेट करता है, उसको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इसलिए इस एवी नोड को पेस सेक्टर कहा जाता है। कार्डियक इंपल्स की पेस को सेट किया गया, यहां पे कार्डियक इंपल्स जनरेट हुआ, पेस मेकर है, यहां पे उसे सेट किया गया, ये पेस सेटर है। ओके, और दो ऑरिकल के बीच में भी इंटरनोडल पाथवेज होते हैं जो इस इंपल्स को दो ऑरिकल के बीच में पहुंचा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम एवी नोड, एवी नोड से थ्रू द इंटर ऑरिकुलर सेक्टम, यहां से होते हुए इंटर ऑरिकुलर सेक्टम से होते हुए दे आर इमर्ज एंड बंडल ऑफ कार्डियक मसल्स, दिस बंडल विच इज कॉल्ड द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल और द बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज फॉर द रीजन दैट इट वॉज द हिज, साइंटिस्ट का नाम हिज है, उन्होंने डिस्कवर किया था किसे? इस बंडल को। हाँ, मैं बात बता दूं आपको, जैसे मैंने आपको बताया एसे नोड वाज डिस्कवर्ड बाय केथ एंड फ्लेक,
The second component is which one? Auriculoventricular node. Okay, pacesetter. It was discovered by Tabara. The year was 1906. उसके बाद ऐसे नोड से एमर्ज होगा क्या थ्रू द इंट्राऑर्बिटल सेप्टम एंड बंडल ऑफ द कार्डियक मसल एमर्ज विच इज कॉल्ड द बंडल ऑफ हिज और द ऑर्बिटल वेंट्रिकुलर बंडल। ये ऑर्बिटल से वेंट्रिकल में कार्डियक इंपल्स को ले जाने के लिए एक बंडल एमर्ज हुआ विच फर्दर डिवाइड इंटू टू बंडल ब्रांचेस। थर्ड कंपोनेंट इज ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर बंडल विच इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ हिज साइंटिस्ट के नेम से एवी बंडल डिस्कवर्ड बाय हिज। हिज इज अ साइंटिस्ट एंड ईयर इज 1893। ओके and it will reach the top of the intra-auricular septum. यहां टॉप पे पहुंच जाएगा। यहां देखिए यहां और फिर जो बंडल ऑफ हिज है वो डिवाइड कर जाता है टू बंडल ब्रांचेस में जो ट्रेवल्स करती है पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल को एंड वाइल दे आर ट्रेवर्सिंग द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जब उनके थ्रू वो जा रही होती हैं तो वे और फाइनल ब्रांचेस जो है वो छोड़ती हैं और जिन्हें कहा जाता है प्रिकिंजिस फाइबर। सो द फोर्थ कंपोनेंट इज कार्डियक कनेक्शन सिस्टम का जो है वो है बंडल ब्रांचेस। इट इज बंडल ब्रांचेस एंड द फिफ्थ वन आर Purkinje fibers. So there are five components of the cardiac connection system. One is the SA node, one is the AV node, third one is the bundle of Hills, fourth one are the bundle branches of the bundles, or the these are the ventricular bundles, auricular ventricular bundles. We have been able to or then Purkinje's fibers. कार्डियक बल जनरेट होगा एसी नोड में पेसमेकर में और इंटरनोडल पाथवेज उसे ऑरिकल्स में पहुंचाएंगे क्योंकि ऑरिकल दो ऑरिकल आपस में नजदीक हैं इसलिए जो कार्डियक इंपल्स है जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है वो जल्दी से दोनों ऑरिकल के बीच में पहुंच जाएगा और ऑरिकल्स कॉन्टेक्ट कर जाएंगे इकट्ठे। ओके देन बंडल ऑफ हिज बंडल ब्रांचेस के द्वारा राइट एंड लेफ्ट के द्वारा और प्रकिंजिस फाइबर के द्वारा पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में जाएगा फिर वेंट्रिकल्स कॉन्टेक्ट कर जाएंगे। ओके दिस इज क्वेश्चन क्या ऑरिकल्स और वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे कॉन्टेक्ट होते हैं या अलग अलग कॉन्टेक्ट होते हैं। फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू मस्ट attend the next session and go to my videos on my YouTube channel which is the biology at fingertips with Vijay. Answer आपको जरूर मिलेगा कि क्या होता है ये कैसे होता है कि इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगे अलग अलग होंगे ये मूव करेगा। मैं आपको बता दूं ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारे हृदय के अंदर हमारे हार्ट के अंदर एक मिनट में लगभग 70 to 75 टाइम्स ओके पर मिनट और अगर एवरेजली बात करूं तो 72 टाइम्स पर मिनट कार्डियक इंपल्स जनरेट होती है इसलिए हमारा हृदय हमारा हार्ट भी 72 टाइम्स
या 70 to 75 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, मीन्स उसे बीट करता है. सो द नंबर ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट इट इज 72 टाइम्स. ये डिस्कस करेंगे हार्ट बीट में द्वारा. क्लियर बात आपको? तो देखिए, ये वो सिस्टम है जो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इंटेंसिकली. इंटेंसिक कंट्रोल, इंटेंसिक रेगुलेशन कैसे हो रही है? मसल्स के द्वारा हो रही है. जैसे ही वो ऑरिकल्स प्रोटेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, सॉरी जैसे तो हाँ यहां पे प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर के कारण जो ब्लड यहां पे होगा वो कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में. और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे प्रेशर बढ़ेगा और कहां? जो ब्लड वेसल्स हमने देखे थे हार्ट के स्ट्रक्चर में, ब्लड विल बी पंप्ड आउट. ठीक है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपके टिश्यूज में ब्लड को भेजेगा और जो राइट है वो लंग्स में भेजेगा. हमने डिटेल में पढ़ा है. क्लियर है? सो एक और बात, वन मोर लास्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट व्हाई देयर इज नीड ऑफ दिस एसिनोट और बंडल ऑफ दिस बंडल ऑफ ऑक्सीजन. क्या जरूरत पड़ गई, सॉरी एवी नोड की, एवी नोड की, बंडल ऑफ इज की और कुछ इन जगह मैं रिपीट कर रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं, एवी नोड, बंडल ऑफ इज, इनकी जरूरत क्यों पड़ गई? यहां से सीधा जो कार्डिक इंपल्स है ऑरिकल से, एट्रियम से, वो वेंट्रिकल में सीधा क्यों नहीं आया? द आंसर इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज देयर that because there is no such continuity of the cardiac muscles. जो heart का जो wall है उसके जो muscles हैं, जो auricles के muscles हैं वे ventricles के muscle के साथ continuity में नहीं होते हैं. okay, इसीलिए एक अलग से system जिसे हमने cardiac connection system का नाम दिया, जिसके main 5 components हैं, ये form हुआ और cardiac activity को regulate किया गया. वन मोर थिंग, दीज बंडल ब्रांचेस दे आर इंसुलेटेड विद द सीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इनके बाहर एक सीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है, कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, नहीं तो जो इंपल्स थी वो लीक हो जानी थी. यहां से जो इंपल्स शक्ति वो यहां तक ढंग से नहीं पहुंच पाती और वेंट्रिकल जो है वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती. So there is an insulation of the connective tissue, one thing more to remember. So my dear friends, this is all about the intrinsic cardiac activity regulation. We will discuss the extrinsic cardiac activity regulation with you people in the next discussion. Till then, some part of this blackboard they are not visible properly in the earlier section of this video. Kindly refer to this segment for the words. I think they are missing from here. So I am focusing again. So my dear friends, we will meet with you people with the next very important topic in the next discussion. Till then, why to all? What? Make it sure to subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay for more new videos and press the bell icon for the new notification. Till then, bye to all. This is the full picture of the blackboard. Kindly ensure this. Thank you.